भिवानी में सीएम फ्लाइंग की बड़ी रेड, 3 लाख रुपए की विस्फोटक सामग्री हुई बरामद। किराए का मकान लेकर छुपाकर रखा गया था सामान, दीपावली पर बेचने वाले थे भारी मात्रा में सामान। मौके पर पहुंची दमकल टीम और सिटी थाना SHO। हमें सूचना मिली थी कि तुसाम बाईपास पर भारी मात्रा में अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थ, ये पटाखे वगैरह जो सरकार द्वारा बैन किए गए हैं, ये रखे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर हम फायर ब्रिगेड की टीम को, SHO थाना सिटी को मौका पर लेकर आए, जांच पड़ताल की, तो ये इस तरह का पाया गया सारा सामान विस्फोटक है और इसकी कीमत लगभग 3-4 लाख रुपये के करीब आकी गई है। सर, इस मामले में क्या किसी आरोपी को भी पकड़ा गया है? आरोपी का है ये मकान है, राजकुमार सनोप सत्तू राजपूत। इसने कहा कि भाई ये हमने किसी को किराए पर, पड़ोसी के कहने से मकान किराए पर दिया था, उसका पतास्ता किया गया, तो अंकित सनोप चंद्र सैनी का है, ये सामान रखा हुआ है, उसके बारे में आगामी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से पटाखे बैन है उसके बावजूद भी भारी मात्रा में आप लोगों ने पकड़े हैं, कहीं ना कहीं मानते हो कि सर कहीं ना कहीं चूक तो रही है प्रशासन की या सरकार की, जो भारी मात्रा में है फिर है तो ये तो थोड़ा सा देखो, एक तो बाहर है शहर से, पर ऐसी इलाका है, गलत है ये बिल्कुल, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, जो चीज़ बैन है तो बैन ही है, सरकार के नियमों के तो गलत है। सर, किन धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और किन किन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है? धारा तो ये है भाई, जो 188 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिलहाल तो इसको, जिसका मकान मालिक है, इसको हमने बिठा रखा है, इसके खिलाफ जो आगे बताएगा उसको अरेस्ट किया जाएगा, जिसका वास्तव में जिसका सामान है, इन्होंने भी इतना ज्ञान नहीं था भी क्या सामान रखना है, कैसे किराया देना, उसकी आईडी लेनी चाहिए थी, मान की तसल्ली करनी चाहिए थी, क्या रख रखा है, जैसे ये रख दिया, कल और भी कुछ रख सकते हैं। सर, रिहायशी इलाका भी है ये, क्योंकि आसपास जो है मकान भी बने हुए हैं, इस तरह के मकानों के आसपास और इस तरह के पटाखे विस्फोटक पदार्थ रखना कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, इससे आग लगने से काफ़ी नुकसान भी हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, जान माल का नुकसान भी हो सकता था। इस बाई देखो, ये बाहर की तरफ है, कोई चलता चलता कोई बीड़ी पी जाए, कोई डाल दे, कितना नुकसान होता, कितने रिहायशी इलाके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये तो बचाव रह गया, किसी ने सूचना हमें मिल गई तो एक टाइम पे कार्रवाई कर दी।